हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ पुरानी साड़ी का रियूज। देखिए, इसके लिए मैंने अस्तर लिया है और ये मैंने पुरानी साड़ी ली हुई है। तो ये एक अस्तर तो मैंने 2 मीटर लिया है, लेकिन 2 मीटर लगेगा नहीं, हमें करीब आधा मीटर करीब अस्तर चाहिए केवल इसमें। अब देखिए, पूरी साड़ी है, बहुत ही प्यारी सी साड़ी लगती थी मुझे ये, लेकिन देखिए यहाँ से फट चुकी है, इसीलिए मैं अब इसका यूज करने वाली हूँ। तो अब इसको मुझे ना तो फेंका जा रहा था और ना ही किसी को देने लायक थी ये, तो इसलिए मैंने सोचा अब इसमें से कुछ बना लिया जाए, क्योंकि हम फटे हुए कपड़े को तो किसी को दे नहीं सकते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले अस्तर को चार्लर करके फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हम देखिए नापेंगे, जो आपकी चेस्ट है उसका आपको चौथा हिस्सा कर लेना है। तो मेरी चेस्ट मैंने अपने हिसाब से ले ली है, 36 इंच चेस्ट के हिसाब से, हाँ 9.5 इंच हो जाएगा चौथा हिस्सा, और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखते हुए 11.5 इंच पर ये निशान लगाया हुआ है। तो ये निशान मैंने 11.5 इंच पर लगा दिया इस तरीके से, ऊपर और नीचे सेट करते हुए। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं गले को जो है ज़्यादा बड़ा नहीं रखने वाली हूँ, पीछे वाले को केवल 3 इंच का रखूँगी। तो हमें शोल्डर की कटिंग हमेशा गले के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। देखिए, 7 इंच का मैंने शोल्डर रख दिया है, गला छोटा रखने वाली हूँ इसीलिए। और यहाँ से हम फिर से 7 इंच का निशान लगा देंगे ऊपर से। तो देखिए, 7 इंच का ही मैंने यहाँ से निशान लगा दिया। आपको शायद थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से आपको निशान लगा लेने हैं। और यहाँ से भी आपको देखिए 7 इंच का ही निशान लगा लेना है। तो 7 इंच का ही हमने शोल्डर का निशान लगाया, 7 इंच का ही हमने ऐसे नीचे का निशान लगाया, और 7 इंच का ही आपको इधर से लगा देना है। तो ये निशान हमने 7-7 इंच के लगा दिए। हमने चेस्ट को लिया है टोटली 11.5 इंच लेते हुए, क्योंकि मार्जिन वगैरह सब कुछ इसी में ही आ जाएगा, लूजिंग वगैरह। अब इधर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें हम राउंड शेप दे देंगे हल्का सा। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसमें राउंड शेप दे दिया। अब चलिए, अब हम गर्ल शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। अब आपको जितना भी शोल्डर रखना है उतना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन मैं गले की तरफ से इसे नाप रही हूँ। तो गले की तरफ से मैं इसको 2.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया गले की तरफ से, ताकि हमारा जो गले का जो हिस्सा है वो ज़्यादा चौड़ा ना हो। ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और देखिए, नीचे गले का भी निशान लगा लिया मैंने 3 इंच का। तो इस तरीके से 3 इंच का गले का निशान लगाया, गले के ऊपर से मैंने 2.5 इंच का लगाया, और इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मैंने निशान लगा दिया। अब चलिए, इसको हम कट कर लेते हैं। अभी हमें इसकी जो ऊपर का ही जो हिस्सा हम कुर्ती बनाने वाले हैं नायरा कट में, तो ऊपर जो हिस्सा होता है फ्रिल वाला हिस्से से ऊपर वाला, उसको हम लेने वाले हैं। 16 इंच टोटल आएगा, तो 1 इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा, 1.5 इंच करीब। तो मैं टोटल इसको 17 इंच का रख रही हूँ। तो इस देखिए, इस तरीके से मैंने 17 इंच का इसमें टोटल निशान लगा दिया। और अच्छी तरीके से आपको सेट करते रहना है कपड़े को, नहीं तो कहीं से भी सिकुड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए, यहाँ से भी आपको दोनों साइड से 17 इंच का निशान लगा देना है। तो ये मैंने 17-17 इंच के निशान लगा दिए। अब सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे हम कट कर देंगे। शोल्डर को आपको 1/2 इंच करीब डाउन कर देना है इस तरीके से, क्योंकि छोटा गला है इसीलिए। अब देखिए, इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया। अब गले को हम एक साथ नहीं कट कर रहे हैं, अलग अलग कट करेंगे। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इसके केवल हम गले को ही कट करेंगे, और बाकी का हिस्सा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं पीछे वाले हिस्से में। अब हम आगे वाले हिस्से को लेंगे। आगे वाले हिस्से में हम इसका जो गला आगे वाला हमने पीछे वाले का निकाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम गले का निशान लगा देंगे इस तरीके से। और गला आपको अब जितना लंबा लेना है, जितना बड़ा लेना है, उतना आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। तो मैं 7 इंच का रखने वाली हूँ टोटल। तो देखिए, 7 इंच का गले का निशान लगाते हुए राउंड शेप में मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। आप कोई भी शेप दे सकते हो, जैसा भी आप देना चाहो। अब जो हमने निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेते हैं। अब हम इसमें एक और अंतर करेंगे। इसमें जो आर्म होल होता है उसमें भी हमें 1/2 इंच का थोड़ा सा कट करना होता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने 1/2 इंच करीब का निशान लगाया, और जो हमने निशान लगाया है उसी को ही हम बराबर से कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने आर्म होल को भी कट कर दिया। अब ये दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए, हमारी जो साड़ी है उसके ऊपर हम कच्चा कर लेते हैं। तो हम घेर में अस्तर नहीं अटैच करने वाले हैं। अगर आपको घेर में अटैच करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं बिना अस्तर के बनाने वाली हूँ नीचे से। बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बन के रेडी होती है, नायरा कट में बनाने वाली हूँ, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। और जो पल्लू वाला हिस्सा है जिसमें कढ़ाई वगैरह हो रही थी, वो मैंने आगे के लिए कर दिया, ये पीछे के लिए हो गया।
अब चलिए जो नीचे का हिस्सा है घेर वाला वो मैं कर लेती हूँ, और इसमें से जो साड़ी है ना फिर भी बच जाएगी क्योंकि लंबी साड़ी है इसीलिए। अब जो नीचे का जो पटली के अंदर दब जाता है वो वाला हिस्सा मैं जो है पीछे की साइड में लगा दूंगी, और थोड़ा बहुत डिजाइन आएगी वो वाला हिस्सा मैं आगे की साइड में लगा दूंगी। तो जैसे जैसे आपकी साड़ी हो वैसे ही आप उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको करना है। अब जितना आपको घेर लेना है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसका घेर ले लिया है। अब देखिए जो फटी हुई है इसको हम निकाल देंगे, और देखिए यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ इसको देखते हुए कितना बड़ा हमें लेना है, तो मैं उसको ही ले रही हूँ और इसके बराबर मैं इसको नापूंगी यहाँ से। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेती हूँ ताकि हमारी ये जो डिजाइन है वो भी नहीं निकलेगी साइड से, इसी में ही आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से डिजाइन को मैंने साथ में लेते हुए ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड में आ जाएगा। तो जो थोड़ा सा फट रहा है उसको हम निकाल देंगे बाद में। अब चलिए हमने जो अस्तर लगा लिया उसको हम गले पर सिलाई लगा लेते हैं, और देखिए सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से हमें इसको कट से लगा देने हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए पास पास मैंने कट्स लगाए हैं। आपको ध्यान रखना है अंदर से, मतलब जो सिलाई से एक्स्ट्रा कट नहीं होना चाहिए, सिलाई से एक पॉइंट कम ही रहना चाहिए। चाहे अब देखिए इसी तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा दी, मतलब कट लगा दिए, और इसके आलपिन को निकालते हुए फिर से हमने इसको सेट कर देना है और सिलाई लगा देनी है गले पर। तो देखिए गले पर हमने सिलाई लगा दी, अब इसको हम सेट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने आगे और पीछे वाले हिस्से को सिलाई वगैरह लगा के रेडी कर लिया। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया, एक फ्लावर पीछे की साइड में भी आ गया है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो ये आपको दोनों ही पार्टों में करना है, आगे और वाले पीछे वाले दोनों में ही। तो आप किसी में भी पहले कर सकते हो। अब देखिए 11 इंच से ऊपर से निशान लगाया मैंने, और 4-4 इंच का हमने यहाँ से निशान लगा दिया इस तरीके से। तो ये हम दोनों साइड में इसमें टक्स लगाने वाले हैं, और देखिए टक्स लगाने से हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है बहुत ही प्यारी आती है। अब 2 इंच का हम इसमें टक्स देंगे, तो निशान लगा लेते हैं अगर हम टक्स के पहले ही, तो हमारे जो टक्स हैं चारों बराबर लगेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ निशान लगा लिए हैं, और मैं आलपिन लगा देती हूँ तो, क्योंकि हमारा जो साड़ी का कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सरकने वाला है तो सरकेगा, इसीलिए आपको पहले ही इसमें आलपिन वगैरह सेट कर लेनी है, फिर आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने 2-2 इंच के इसमें दोनों तरफ टक्स लगा दिए हैं आगे वाले और पीछे वाले पार्ट में। अब चलिए जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है उसको हम ले लेते हैं। अब देखिए इसकी जो लंबाई मैं रखने वाली हूँ टोटल वो रखने वाली हूँ 30 इंच की, और 2 इंच करीब इसमें सिलाई में चला जाएगा, तो 32 इंच की अब मैं रखने वाली हूँ। तो मतलब 30 इंच इसमें से हो गया, और करीब हमने 16-17 इंच का वो लिया था, तो 16-17 इंच का लिया था, तो 1.5 इंच करीब उसमें सिलाई में मान लीजिए 1-1.5 इंच, तो आप समझ लीजिए कितना हो गया, मतलब करीब हो गया 45-46 इंच करीब का। तो 45-46 इंच हमारी टोटल लंबी कुर्ती हो जाएगी इस तरीके से। तो जितनी मैं रखने वाली हूँ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, जितनी भी आपको लंबाई लेनी है या फिर नीचे पैरों तक लेनी है तो नीचे तक की भी रख सकते हो, या फिर थोड़ी सी शॉर्ट भी रख सकते हो। तो मैं ज़्यादा नीचे नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे डेली में पहननी है इसीलिए, क्योंकि डेली में ज़्यादा नीचे सही नहीं रहती है पहनने में, बच्चों के साथ में गीली वगैरह हो जाती हैं। और देखिए इस तरीके से अब हम इसको फ्रिल लगाते हुए थोड़ा सा 2-2 इंच हमें साइड से ऐसे ही सिलना है पहले सीधा, और बीच में जो बाकी की फ्रिल आएंगे निशान लगा लेना, आपको पहले ही कट्स लगा लेने हैं ताकि बीच का हिस्सा हमारा बीच में ही आ जाए, और सारा जितना भी हमारा कपड़ा है बाकी का उतना हम इसमें अटैच कर देते हैं। तो जो हमारी कमर का हिस्सा था ना उससे डबल ट्रिपल कपड़ा था, कम से कम डबल तो मान ही लो, डबल से तो बहुत ज़्यादा था। तो देखिए जितना निकला मैंने उस हिसाब से निकाल लिया, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आपको इसकी चौड़ाई पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हो कितना लिया है। अब देखिए इस तरीके से हमने आगे के हिस्से को फ्रिल लगा के सेट कर दिया, पीछे वाले हिस्से को भी हमने सेट कर दिया। देखिए इस तरीके से ऊपर से एक एक सिलाई और लगा देनी है आपको। अब चलिए इसके हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए आपस में आपको इसके शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए हमने इसके शोल्डर को सिल दिया, ऊपर से धागा वगैरह ना निकले उसके लिए आपको सिलाई अच्छे से लगाती चलनी है। तो देखिए 3 सिलाई लगाई है मैंने शोल्डर पर ताकि हमारे धागे वगैरह ना निकले साड़ी में से। ऐसे ही मैंने कमर वाले हिस्से पर भी डबल सिलाई लगा के अटैच सिलाई लगाई है। और अब मैं बाजू कट कर रही हूँ, और बाजू की लंबाई 9 इंच करीब है, लेकिन मैं छोटी रखूँगी, बाद में मैंने छोटी कर दी थी इसकी बाजू की लंबाई क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। अगर आपको लंबी रखनी है तो लंबी भी रख सकते हो।
तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव को कट कर लिया। स्लीव का आगे का हिस्सा मैंने आधा इंच करीब का इस तरीके से निकाल दिया। अब इसमें हम स्लीव में भी अस्तर वगैरह अटैच नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी। बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप सिंपल भी कट कर सकते हो या फिर नाप के भी। मैंने नाप के बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है, इसीलिए मैंने वैसे ही अंदाजे से कट कर दिया। अब हमने स्लीव को अटैच कर दिया। ऊपर से एक एक सिलाई और लगा देनी है ताकि धागे वगैरह निकलने का ज़्यादा झंझट ना रहे। अब यहाँ से देखिए जो हमारा सिलाई है बाजू वाली, वहाँ से आपको 12 इंच का निशान लगाना है यहाँ पर। तो आपको ये आगे पीछे मतलब चारों कोनों पर निशान लगा देना है। तो ये मैंने 12 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया आगे और पीछे। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी 12 इंच का निशान लगा देना है यहाँ पर। तो यहीं से हम जो नीचे का घेर है वहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए चारों तरफ हमने इस तरीके से निशान लगा दिए। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें हम नीचे से पूरे राउंड में सिलाई लगाते हुए आगे और पीछे में सिलाई लगा देंगे। ऊपर से केवल 12 इंच तक छोड़ना है। तो चलिए इसमें हम अब सिलाई लगा लेते हैं, फिर बाकी का हिस्सा फिर रह गई अभी हमारी फिटिंग। और बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बन के रेडी होती है गाइज। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से आइडिया शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए हमने इसको सिल दिया नीचे से जो किनारे किनारे थी। अब इसमें हम फिटिंग लगा लेते हैं। जो हमने 12 इंच का निशान लगाया था वहीं तक हम इसको फिटिंग लगा लेते हैं। हमने इसमें फिटिंग वगैरह लगा दी और देखिए बहुत ही प्यारी सी कुर्ती बन के रेडी हो गई। और गाइज कमेंट जरूर करना आप लोग को हमारे आइडिया कैसा लगा पुरानी कुर्ती का। बिना किसी खर्चे के आधा मीटर कपड़ा लगा है केवल हमारा, वो भी 30 रुपये मीटर वाला।